बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। हजारों किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। पूरा स्ट्रक्चर तो जैसे तैसे खड़ा हो गया, अब बारी थी इस पर विंडो पैनल लगाने की। इंजीनियर का ख्याल था कि विंडो पैनल लगाने में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, लिहाजा इस पर उनका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन फिर वही हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। दुबई की कड़कती गर्मी और ऊपर से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जो विंडो पैनल लगाए जाने थे, उनको लगाने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर दिन के टाइम पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड जा पहुंचा। इतने ज्यादा टेम्परेचर में किसी इंसान का बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। ये मसला बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला था, जिसने पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को मुसीबत में डाल दिया। इस मसले की वजह से बुर्ज खलीफा के इंटीरियर डिजाइन का काम रोकना पड़ा। पूरे 18 महीने तक कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पे था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मैनेजमेंट और इंजीनियर के डूबते ख्वाब को पानी मारकर जगा दिया। दुबई की बुर्ज खलीफा दुनिया में मौजूद सबसे ऊंची इमारत है। 2716 फीट ऊंची बादलों को फाड़ कर निकलने वाली इस बिल्डिंग पर $1.5 बिलियन यानी 114 अरब रुपयों का खर्च आया। सिर्फ इतने ज्यादा पैसे ही नहीं, बल्कि यह बिल्डिंग इंजीनियरिंग की हिस्ट्री का एक अजीब कारनामा माना जाता है। यह अजीब कारनामा इंजीनियर, आर्किटेक्ट और वर्कर्स ने किस मुश्किलों से गुजर कर कम्प्लीट किया, उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे उन मुश्किलों का सॉल्यूशन निकाला गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1। बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे पहला चैलेंज था कंस्ट्रक्शन टाइम पर होना। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर को सिर्फ 6 सालों का वक्त दिया गया, जिसमें उनको ये सारा कारनामा अंजाम देना था। इन 6 सालों में से बिल्डिंग का डिजाइन बनाने में ही सिर्फ 3 साल का वक्त रिक्वायर्ड था। अगर 3 साल डिजाइन बनाने में लगा देते तो बाकी के 3 साल में बिल्डिंग का फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना मुमकिन नहीं था। अब इंजीनियर ने फैसला किया कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर डिजाइन के ही स्टार्ट कर दी जाए। इसी वजह से फरवरी 2004 में खुदाई का काम स्टार्ट हो गया, लेकिन साथ साथ डिजाइन का काम भी चलता रहा। चैलेंज नंबर 2। जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद डालने का टाइम आया तो एक और मसले ने जन्म लिया। आमतौर पर लंबी बिल्डिंग की बुनियाद जमीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा बनना था उसके नीचे यहाँ तो रेतीले पत्थर थे या फिर छोटे छोटे कमजोर पत्थर। तो फिर सवाल ये उठाया गया कि क्या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इन कमजोर पत्थरों की बुनियाद पर खड़ी की जाएगी? क्या ये कमजोर पत्थर वाकई इतना वजन उठा सकेंगे? इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया गया और वो था फ्रिक्शन। जी हाँ, बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील पाइप्स पर खड़ी की गई जो 50 मीटर जमीन के अंदर धंसे हुए हैं। पूरे बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि पूरे 192 सॉलिड स्टील पाइल्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना था। चैलेंज नंबर 3। बुर्ज खलीफा के डिजाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी MR ने चिकागो में टॉप लेवल आर्किटेक्चर फर्म से मुलाकात की। यह आर्किटेक्चर फर्म कई ऊंची इमारत के स्ट्रक्चर डिजाइन कर चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का स्ट्रक्चर डिजाइन करने में इनके भी हाथ पांव फूल गए। इनका चैलेंज था कि इनको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना था जो लाखों टन वजनी कंक्रीट और लोहे का वजन भी उठाए, जिसके फ्लोर्स नेचुरल लाइट से रोशन हो और वह बिल्डिंग भी 160 मंजिला हो। इस यूनिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस फर्म ने दिन रात करके निकाल ही लिया और वो था बट्रेस स्ट्रक्चर, जिसका उपयोग दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा में किया गया था। चैलेंज नंबर 4। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही इनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। वह मुश्किल ये थी कि जो कंक्रीट के मिक्सचर को तैयार करके ऊपर भेजते थे वह ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था। इस चैलेंज का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था और वह था कंक्रीट सक्शन सिस्टम, यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए। इन पाइप के जरिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर्स तक पहुंचाना था। ये कोई छोटा मोटा कंक्रीट तो था नहीं,
बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का टोटल वजन 1,00,000 हाथियों के वजन के बराबर बनता है। इतना ज्यादा कंक्रीट पंप करने के लिए दुनिया के 3 सबसे ज्यादा ताकतवर पंप मंगाए गए, जिन्होंने ये काम अंजाम दिया। चैलेंज नंबर 5। कंस्ट्रक्शन के काम को अब 3 साल गुजर चुके थे। बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर खड़े हो चुके थे और बिल्डिंग ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का रिकॉर्ड 140वें फ्लोर पर ही तोड़ दिया था। लेकिन मटेरियल ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो क्रेन उनके पास मौजूद थी, वह मटेरियल को सिर्फ 120वें फ्लोर तक ही पहुंचाने की काबिलियत रखती थी। सिर्फ क्रेन्स की ही बात नहीं थी, जो क्रेन ऑपरेटर्स क्रेन को हैंडल करते थे, उन्होंने इतनी ऊंचाई पर काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि 700 मीटर की ऊंचाई पर काम करना किसी खतरे से खाली नहीं था। इसके लिए HR फर्म ने पूरी दुनिया से एक्सपीरियंस्ड क्रेन ऑपरेटर्स हायर किए और उनको दुबई लाया गया। ये क्रेन ऑपरेटर अलग अलग जुबान बोलते थे, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी, यानी इनको हाइट से डर नहीं लगता था। 700 मीटर की ऊंचाई पर यह क्रेन ऑपरेटर दिन के 12 घंटे ड्यूटी करने में गुजारता था, जिसके बारे में ये मशहूर था कि वह सोता भी क्रेन के केबिन में ही है। चैलेंज नंबर 6। बुर्ज खलीफा के लॉन्च होने में सिर्फ 2 साल बचे थे। बिल्डिंग के तमाम फ्लोर का स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन एक चीज कहीं नजर नहीं आ रही थी, और वह थी ग्लास पैनल्स। जी हाँ, बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल लगने थे। जब ग्लास पैनल लगने की बारी आई, तो उनको लगाने से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर दुबई की कड़कती गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा था। ये ग्लास पैनल लगाने से बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज्यादा बिजली का इस्तेमाल होता था। पूरे 18 महीने सिर्फ इस मसले के सॉल्यूशन में गुजर गए, लेकिन आखिरकार बहुत ही मशहूर इंजीनियर जॉन जेराफा ने कहा कि उनके पास इस मसले का सॉल्यूशन मौजूद है, लेकिन वह सॉल्यूशन बहुत महंगा होगा। जॉन की पेशकश कबूल की गई, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। जॉन ने एक खास किस्म का ग्लास बनाया, जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली यूवी रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी, और ऐसे 24,000 ग्लास पैनल बनने थे। ये रकम टोटल 3,60,00,000,000 रुपए बनती है, जिसके लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई, जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल मैन्युफैक्चर हुए, और सिर्फ 4 महीनों में ही पूरे के पूरे एल्युमिनियम ग्लास पैनल तैयार हो गए। चैलेंज नंबर 7। कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था। गैस, पानी और बिजली का सारा काम हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा जरूर था। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग अधूरी थी। इसके ऊपर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगाना था, जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और इसका वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने ज्यादा वजनी स्टील को उठाकर बादलों से भी ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाकर रखे। लेकिन किसी भी कीमत पर यह काम करना जरूरी था, क्योंकि अब बुर्ज खलीफा की लॉन्च का मामला था। आखिरकार इंजीनियर ने फैसला किया कि 136 मीटर लंबी इस रोड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए। इसलिए इस रोड को छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर ले जाएगा और बुर्ज खलीफा की चोटी पर ही इसको वापस असेंबल किया गया। चैलेंज नंबर 8। अब बुर्ज खलीफा पूरी तरह से कंप्लीट था, लेकिन सालों की धूल मिट्टी और कंस्ट्रक्शन की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा मिट्टी से भरा हुआ था। अब काम था इसको बाहर से अच्छी तरह पॉलिश करने का, जिसका और तो कोई हल समझ नहीं आया, बल्कि वर्कर्स को ही रस्सियों से लटकाकर बुर्ज खलीफा के टोटल 24,000 विंडो पैनल्स को बाहर से पॉलिश करवाएगा। ये विंडो क्लीनिंग का काम अभी तक वर्कर्स की मदद से ही किया जाता है। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए करीब 12,000 वर्कर्स एक ही टाइम पर काम करते थे। बुर्ज खलीफा में टोटल 24,000 ग्लास पैनल लगे, जिनका टोटल वजन 35A380 एयरक्राफ्ट के बराबर बनता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट बुर्ज खलीफा में मौजूद है। बुर्ज खलीफा में लगने वाली एलिवेटर्स दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट मानी जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।